मैं हूँ सलमा, वेलकम टू माय चैनल सलमा जैदी किचन। आज मैं कोई नई रेसिपीज बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़ा, जो मैंने इस तरह से ये उड़द दाल को सोक कर लिया था और इसे मैं पीस लेती हूँ। एक मिक्सी जार ले लेती हूँ, उसमें मैं ये कुछ अदरक के टुकड़े और हरी मिर्च ये मैं डालूंगी। इसमें सारे मैं उड़द की दाल में डाल देती हूँ जो मैंने सोक करके रखा है। मैं इसे मिक्सी में ये मैंने डाल दी है, अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने मिक्सी में इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, ये अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और आप चाहे तो इसे अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स कर दें, लगातार एक ही स्टेप से करें तो बहुत ही अच्छा हमारा वड़ा बनकर बहुत ही अच्छा हल्का और सॉफ्ट बनेगा। या फिर आप हाथ से भी इस तरह से फेर सकते हैं, हाथ से फेरने से ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से लगातार फेरें तो वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दही ले लिया है और ये सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ इसको और इसे मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे दाल मैंने फेरते हुए 10 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से हल्का हो गया है और मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सारे वड़े इस तरह से डाल दिया है, सारा मेरा वड़ा लाल हो रहा है। अब मैं इसे थोड़ा लाल करूँ फिर इसे निकाल दूंगी। तो ये देखिए मेरे सारे वड़े बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही हल्का और सॉफ्ट बना है। अब मैंने एक बर्तन में पानी दे दिया, मैं इसमें डाल देती हूँ। निकाल कर अच्छी तरीके से सारे ऑयल निकाल कर इस तरह मैं पानी में इस तरह डाल दूंगी। ये देखिए मैं पानी से अलग कर रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है। ये सारे मैं इसे पानी से अलग कर दूंगी। नहीं देखिए मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं, अब मैं इसमें सर्व कर देती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो सबसे पहले मैं ये दही डाल रही हूँ। दही इसके ऊपर डाल दी, इस तरह से कवर कर देती हूँ। फिर ये हरी चटनी डाल दी ऊपर से।
फिर ये उल्लू की चटनी डाल दूँगी। ये इमली की चटनी एक लेयर डाल देंगे। जीरा पाउडर डाल दे रही हूँ ऊपर से थोड़ा। आप चाहे तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, ये भी ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसके ऊपर से ये आलू भुजिया डाल सकते हैं। ये देखिए मेरी दही बड़े बनकर रेडी हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए